नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक है पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, सेंटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। खबर आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज गुरुवार से शुरू हो गई हैं। पहले दिन प्रथम पाली में हाईस्कूल के हिंदी प्रारंभिक व हिंदी तथा इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान की परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पारी में इंटरमीडिएट की हिंदी समान हिंदी की परीक्षा कराई गई। परीक्षा प्रभारी ने बताया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट की समस्या होने के कारण वॉइस नहीं आ पाई है, जबकि कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के नाम और फोटो में मिसमैच पाया गया, परंतु इसको दुरुस्त कर लिया गया है। परीक्षा को नकल विहीन और सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 10 जोनल मजिस्ट्रेट, 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 326 मजिस्ट्रेट तैयार किए गए थे। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंदर कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ स्थानीय पुलिस भी परीक्षा केंद्र पर भ्रमण करती नजर आई। थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा पुलिस बल के साथ क्षेत्र के कैलासी देवी इंटर कॉलेज, सर्वोदय इंटर कॉलेज, सेना मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज, शारदा तपेश्वरी इंटर कॉलेज, महेशपुर इंटर कॉलेज, महाराजगंज इंटर कॉलेज पर भ्रमण कर नकल विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत चेकिंग की ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को निर्देशित भी किया।